So, the number one is basic information about light. Basic information about light. Yes, very attentive, बेटे. The first few things which everybody should know about light is light, बेटे, जब हवा में चलता है या वैक्यूम में चलता है तो इसका वेलोसिटी कितना होता है, सभी को पता होना चाहिए. यानी कितनी तेजी से ये गुजरती है, और उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁻¹ सेकेंड. इतनी ज्यादा वेलोसिटी ऑफ लाइट. लेकिन कहां पर? इन एयर समझ सकते हो, या वैक्यूम. वैक्यूम क्या होता है बेटे? जहां पर हवा भी ना हो. यस, तो एयर में भी इतना ही लिया जाता है. लेकिन इसके बिना जो दूसरे ऑप्टिकल मीडियम है, ऑप्टिकल मीडियम कौन से बेटे? जैसे के ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, वाटर, ग्लास, एक्रिलिक शीट, ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और इसलिए हम इनको ऑप्टिकल मीडियम बोलते हैं. इनके थ्रू लाइट निकल सकती है बच्चे. तो इनके थ्रू जो लाइट का वेलोसिटी होता है वो हमेशा इस वेलोसिटी से कम रहेगा, लेस देन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. गॉट इट? अब एक और खूबी लाइट के बारे में, कि अगर ये लाइट का सोर्स है तो यहां से लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में जलती है, और लाइट की रे इस खूबी को, दैट इट मूव्स इन द स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. क्या कोई बच्चा बता सकता है उस खूबी को क्या बोलते हैं? एनीबॉडी? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. उन टीचर की रिगार्ड देना पड़ेगा जिन्होंने आपको पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है. रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन आमतौर पर बताया नहीं जाता, पर श्योरली योर साइंस टीचर इज ए गुड टीचर. एंड बेटे, और इसके बारे में, लाइट के बारे में साइंटिस्टों को अभी पक्की नॉलेज नहीं है. कुछ लाइट को बोलते हैं कि ये एक रे है, और कुछ लाइट को बोलते हैं कि ये एक वेव है. इसलिए लाइट के दो यूनिट्स होते हैं, दो चैप्टर्स. एक का नाम होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरे का नाम होता है वेव ऑप्टिक्स. लेकिन आपकी क्लास में हम लाइट को रे ऑप्टिक्स लेके चलेंगे. रे का मतलब स्ट्रेट लाइन में, और वेव का मतलब है अप डाउन जाते हुए. ऑप्टिक्स का मतलब, ओके ओके बेटे, ऑप्टिक्स का मतलब कोई भी ऐसा यूनिट, कोई भी ऐसा साइंस का पार्ट, फिजिक्स का पार्ट, साइंस ब्रांच जो किसके साथ डील करे, वो डील करती है लाइट से, उसकी प्रॉपर्टी से, मिरर से, लेंसेज से, माइक्रोस्कोप से, ह्यूमन आई से, किन चीजों से डील करती है? कैमरा से. यानी कि लाइट, इट्स प्रॉपर्टीज एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइट से लिंक्ड है, कैमरा, लेंस, माइक्रोस्कोप, मिरर. ओके,
इन सारी ऑप्टिकल डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट से जो साइंस का ब्रांच हमें नॉलेज देता है और लाइट की प्रॉपर्टीज और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में नॉलेज देता है, लाइट के उस चैप्टर को हम ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। गॉट इट? ऑप्टिकल और ऑप्टिक्स सेम होते हैं? ऑप्टिक्स वर्ड तो बच्चे ब्रांच का नाम है, ओके? और ऑप्टिक्स वर्ड से जो ऑप्टिक्स से लिंक्ड है, ये तो ऑप्टिक्स हो गया साइंस का पूरा ब्रांच, जो ऑप्टिक्स से लिंक्ड है वो हो गया ऑप्टिकल। ऑप्टिकल ये नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन एडजेक्टिव, ओके? ऑप्टिक्स से लिंक्ड कोई भी चीज ऑप्टिकल, ओके। अब हमने लाइट का बेसिक इंफॉर्मेशन सीखने के बाद अब हमने आर्टिकल वाइज चलना है। तो आपका मेरे पास बुक पड़ा है बच्चे, उसके आर्टिकल के मुताबिक हमारा सबसे पहला चैप्टर बनता है, सबसे आर्टिकल पहला बनता है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में ना केवल हम एक्सपेरिमेंट करेंगे यहां पर, बल्कि उसके बारे में लाज सीखेंगे और सब कुछ सीखेंगे। तो हम डिस्कस करने लगे हैं रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा पहले बोर्ड पर करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बच्चे जो टीचर कह रहा है रिफ्लेक्शन। देखो बेटे, लाइट के इस फिनोमिना में रिफ्लेक्शन को हम टू कैटेगरीज में बांटते हैं। शाबाश, एक बच्चे है रेगुलर और दूसरा है, बोलो, दूसरा है डिफ्यूज्ड। टेक्निकल वर्ड इररेगुलर नहीं है, जो साइंटिस्ट ने हमें बोर्ड दिया है वो है डिफ्यूज्ड। अब रेगुलर में क्या होता है, सपोज हमारे पास बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है मिरर के जैसा, और उसमें हमने जब पैरलर बीम ऑफ लाइट थ्रो करा, लुक हियर, पैरलर बीम ऑफ लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरलर बीम ऑफ लाइट ही जाएगा। पैरलर बीम ऑफ लाइट रिमेन्स पैरलर बीम। प्लेन सर बीम क्या होता है? का कंसेप्ट भी बताना इन द सेम प्लेन। ओके, राइट बेटा। अब नाउ क्वेश्चन इज, वन क्वेश्चन मेरे को बड़ा अच्छा लगा, एक बच्चे ने कैसे इंटरेक्टिव करते हैं एकदम से मेरे से पूछा बीम क्या होता है। और मैं टीचर्स का भी थैंकफुल हूँ, कितनी अच्छी सेटअप करी हुई है कि बच्चा कोई भी बोलता है और मेरे तक बिल्कुल क्लियर आवाज पहुंचती है। तो बेटे लिसन, अगर मैं एक यहां पर बल्ब लगा दूं और यहां पर कार्डबोर्ड ले लूं और कार्डबोर्ड में बिल्कुल छोटा सा सुराख करूं, छोटा सा, तो उसमें निकलने वाली लाइट को रे बोलूंगा। लेकिन अगर मैं बल्ब ले लूं और यहां पर कार्डबोर्ड लगा दूं और होल का साइज थोड़ा बड़ा कर दूं, तो ग्रुप ऑफ रेज, ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज को मैं बीम का नाम दूंगा। यानी कि बीम इज ए ग्रुप ऑफ मैनी पैरेलल रेज ऑफ लाइट, और वो सारी की सारी पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल ही रहेंगी एक दूसरे के। यानी पैरेलल बीम रिमेन्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर ऐसा हो तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में आएगा। अब हम देखते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बच्चे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में हमारा जो ये सरफेस होता है ये एक्स्ट्रा स्मूथ नहीं होता, ये इसमें थोड़ा बहुत खुरदरापन होता है। और ऐसे केस में अगर हमारी रे ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरेगी, पैरलर बीम ऑफ लाइट, तो वो पैरलर बीम ऑफ लाइट
गिरने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाएगी, हालांकि गिरते वक्त वो पैरलर थी। पैरलर रे ऑफ लाइट बिकम्स नॉन पैरलर। ऐसे केस में हम इस रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और एक बात, जब डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इतने ज्यादा एरिया में चले गई, तो यहां पर जो ऑब्जर्वर खड़ा होगा, जिसकी आंख में ये लाइट जा रही होगी, ये वाला ऑब्जर्वर, उसकी आंख में थोड़ी बहुत लाइट जाएगी, क्योंकि आंख का साइज बहुत छोटा होता है। जब थोड़ी बहुत लाइट जाती है, तब उस लाइट की मदद से ये इंसान इस रफ सरफेस के ऊपर, कोई भी क्या लिखा हुआ है इस रफ सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको रीड कर लेगा। अगर ये रेगुलर होता तो बहुत ज्यादा लाइट इस पर्सन की आंख में जाती, तब ये बंदा यहां से जो ऑब्जेक्ट है जिससे ये लाइट आ रही है उसका इमेज देखने में कामयाब हो जाता है। जब ज्यादा लाइट आंख के बंदे की आंख में एंटर करती है, ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लाइट, तब वो इमेज देखने में मदद करती है। जब कम लाइट होती है तो वो चीजों को देखने में, या बुक के ऊपर कोई वर्डिंग लिखी हुई है उसको पढ़ने में काम आती है। आप अपनी टेक्स्ट बुक को कभी हाथ लगा के देखो, ये कभी भी स्मूथ नहीं होती, ये रफ होती है, क्योंकि ऐसा अज्यूम किया जाता है कि बच्चे ने अपनी टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ना है, इसलिए उसकी आंख में कम लाइट जानी चाहिए। पर कभी कभी आपने देखा किसी किसी कोई कोई मैगजीन बनाने वाला अपनी बुक को सिल्की टच देता हुआ एक्स्ट्रा स्मूथ बना देता है, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो अनकंफर्टेबल होती है। बल ऊपर से लाइट आ रही है, हमें पता ही नहीं लगता, हमें एंगल एडजस्ट करना पड़ता है उसका, ताकि आंख में कम लाइट जाए और हम उस सिल्की पेज पर प्रिंटेड टेक्स्ट को या फोटो को अच्छी तरह देख सके। गॉट इट? अब हम रेगुलर रिफ्लेक्शन के लाज को देखेंगे, ओके? और उसके बिना मेरे को एक अभी फीडबैक आई है, मैम बोल के गए हैं कि बच्चों को यह भी बताना है कि वन प्लेन क्या होता है। लिसन, सारी बातें हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर। मैं इसका एक्सपेरिमेंट भी करूंगा बेटे अभी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेटर रेगुलर रिफ्लेक्शन, लिसन केयरफुली। अगर मेरे पास ये प्लेन मिरर है बेटे, बिल्कुल स्ट्रेट, तो सबसे पहले इसके ऊपर हम पॉलिश करते हैं। पॉलिश कौन कौन सी मेटल की हो सकती है? ये पॉलिश हो सकती है कई मेटल्स की। सिल्वर की हो सकती है। एजी क्या है? सिल्वर का सिंबल है, याद रखना है। गोल्ड की हो सकती है, AU गोल्ड का सिंबल है, समझदार बच्चा याद कर लेगा अभी। क्रोमियम मेटल की हो सकती है, निकल मेटल की हो सकती है। कभी आप लोगों ने मिरर को बैक साइड से देखा हो तो उसके पीछे ऑरेंज कलर की पेंट होती है, देखा किसी बच्चे ने? हाँ, तो जो मिरर की बैक साइड पर ऑरेंज कलर की पेंट होती है, वो इस मेटल की लेयर के ऊपर करी होती है। यहाँ ये लेड कंपाउंड होता है, लेड कंपाउंड। इस कंपाउंड की खूबी ये होती है कि ये मेटल की पॉलिश को जल्दी से उतरने नहीं देता, इसलिए मिरर की लाइफ सालों साल बनी रहती है। ये तो था मिरर बनाते कैसे। ट्रांसपेरेंट कांच लेके उस पे मेटल की पाउडर पॉलिश कर देते हैं, स्प्रे पेंट। इनमें से कोई भी मेटल हो सकती है, सिल्वर, गोल्ड, क्रोमियम, निकल, और फिर से लेड कंपाउंड। अब देखो, मैं इसका इसके ऊपर रे ऑफ लाइट फेंकने लगा हूं। मान लो यहां पर सोर्स है और सोर्स से रे ऑफ लाइट आई। बच्चे, जिस पॉइंट पर ये लाइट गिरती है उस पी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सभी बच्चे टर्मिनोलॉजी को ध्यान से सुनेंगे। अगर आपकी टर्मिनोलॉजी वीक रह गई तो
तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा पेपर में। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ये रे ऑफ लाइट आई और मैंने एक ऐसी लाइन ड्रा करी यहां पर जो इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और मैं उसको ये स्काई ब्लू कलर से सियान कलर से दिखा रहा हूं। 90 डिग्री का एंगल जो भी लाइन मिरर के साथ बनाएगी उसको नॉर्मल कहते हैं। देखो 90 डिग्री, ओके। तो जो लाइट इधर से आ रही थी ये येलो कलर वाली, इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, आई आर, इंसिडेंट रे। अभी आपकी नॉलेज मैं चेक करता हूं, देखते हैं क्लास में कौन बच्चा बताएगा इस एंगल को क्या बोलते हैं। दिस इज नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चे ये जो एंगल होता है इंसिडेंट रे मेकिंग विद द प्लेन मिरर, दैट इज ऑलवेज एंगल ऑफ ग्लांस, यू ऑल्सो कॉल इट ग्लांसिंग एंगल और एंगल ऑफ ग्लांस, आइदर यू कॉल इट ग्लांसिंग एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ ग्लांस इनका टोटल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब यहां से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, इस लाइट को रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड। और रिफ्लेक्टेड लाइट ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा पाया गया कि ये हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, ये भी एक लॉ हुआ। अब मैं एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो मेरे पास एक ब्लेड है बच्चे, रेजर, ऐसे करके मेरे पास रेजर है, ओके। और मैं इस रेजर को ऐसे धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूं ताकि ये रेजर मेरी इंसिडेंट रे को कट करे। लाइक ये मेरा मार्कर इंसिडेंट रे है और मेरा हाथ ब्लेड है, ये इसको ऐसे नहीं कट करना, पूरी लेंथ वाइज कट करेगा ब्लेड ऐसे, ओके। जब ये मैं ब्लेड को इंसिडेंट रे से कट करता हुआ जाऊंगा तो मैं देखता हूं वही ब्लेड नॉर्मल को भी कट करता है पूरा लेंथ वाइज, वही ब्लेड उसी आगे आगे चलता चलता रिफ्लेक्टेड रे को भी कट करता है। इसका मतलब है ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक रेजर, एक ब्लेड के प्लेन के अंदर अंदर है, कोई आगे पीछे नहीं आ रहा। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। वो प्लेन कौन सा है इस बार, जैसे टीचर ने एग्जांपल से समझाया वो प्लेन हमारा ब्लेड वाला है। आपने ब्लेड की एग्जांपल नहीं लिखनी पेपर में, ये तो आपको समझाने के लिए था। लैंग्वेज क्या लिखेंगे मेरे प्यारे प्यारे चटचटे बच्चे, वो लिखेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई इन द सिंगल प्लेन, सेम प्लेन, ओके। अब मैं यहां पर एक और एंगल बनाऊंगा, देखता हूं क्लास में कौन सा बच्चा इसको बताता है। एक भी बच्चा तीनों सेक्शंस में बताएगा आई वुड बी वेरी हैप्पी। लिसन, देखो बेटे ऐसा था कि ये रे ऑफ लाइट येलो वाली इधर को ऐसे जा रही थी, मैं इसको रेड कलर से एक्सटेंड कर देता हूं। ये देखो ये लाइट ऐसे एक्सटेंड कर दी मैंने, अगर ये मिरर ना होता तो ये लाइट ऐसे चलेगी होती, एग्रेड। लेकिन मिरर की मदद से ये लाइट इस डायरेक्शन में चलेगी, जाना चाहिए था उधर को अगर मिरर ना होता, चलेगी उधर को। कोई बच्चा मेरे को बता सकेगा कि इस पर्टिकुलर एंगल को जिसको टीचर व्हाइट कलर से मेंशन कर रहा है
ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? लाइट जा रही थी इधर को, मिरर ने उसको भेज दिया उधर को। व्हाट इज दिस एंगल लास्ट बेटे? इस एंगल का नाम होता है डेल्टा। इसका सिंबल ऐसे, डेल्टा ग्रीक लेटर है डेल्टा, इसको डेल्टा सिंबल से लिखते हैं बच्चे। इसका नाम भी याद रखना है आपने, एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन देखो, लाइट जा रही थी इधर को, मिरर ने उधर को मोड़ दिया। मोड़ने की इंग्लिश क्या होती है? डेविएट। कोई चीज जैसे जैसे बॉल मेरी तरफ आई, मैं बैट्समैन हूं, बॉल आई मेरे पास, मैंने ऐसे बैट को पकड़ा और ऐसे पुश कर दिया गली की तरफ, तो मैंने क्या मोड़ कर दिया? बॉल को मोड़ दिया। मोड़ने की इंग्लिश क्या होती है? डायरेक्शन, दिशा को चेंज करने की इंग्लिश डेविएट। डेविएट से क्या वर्ड बना दिया? डेविएशन। लाइट इधर जा रही थी, भेज दी गई उधर, किसके द्वारा? मिरर के द्वारा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, अब हम इस चीज को सारे को एक्सपेरिमेंट के रूप में करके देखते हैं, जो भी हमने यहां पर सीखा। ये देखो, ये मेरे पास एक मॉडल है बेटे, हैव यू सीन? मेरे पास एक मॉडल है, फोकस करना सर। ये देखो, इंसिडेंट रे इधर से आई बेटे, एरो लगा हुआ है, और आई एंगल बनाते हुए, आर एंगल बनाते हुए, दोनों को बराबर रखते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऊपर चला गया। हम इसको फोकस कर, हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं लेजर बीम के साथ। ये देखो, मेरे पास प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर को मैंने यहां पे रख दिया बेटे, और ये मेरे पास लेजर बीम है, लुक हियर लेजर बीम। मैं इस लेजर बीम को थ्रो करूंगा इस डायरेक्शन के ऊपर, इंसिडेंट के ऊपर, फिर हम देखेंगे क्या वो लेजर बीम इस सरफेस पे आके टकराती है कि नहीं, और क्या वो इस दिशा से आती है कि नहीं। अगर आ गई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हुए। ये देखो, ये टीचर ने इंसिडेंट रे के ऊपर लेजर बीम को रख दिया। अब मैं इसको ऑन करने वाला हूं बेटे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये मैंने ऑन करा, और देखो आप उधर दिख रहा है आपको कहां से जा रही है लाइट? उधर रिफ्लेक्शन वाली बेटे, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर जा रही है। फिर से देखो, ऑफ करके दिखाता हूं। ये इंसिडेंट रे थ्रो करी, मिरर से टकराई, और रिफ्लेक्टेड रे देखो बिल्कुल। अगर मेरी लेजर बीम बिल्कुल सही रहेगी तो उधर से भी सही रहे। मैं दोबारा से सेट करता हूँ, हिल गई थोड़ी सी। ये देखो, अब मेरी बिल्कुल सेट है, तो रिफ्लेक्टेड रे वाली डायरेक्शन भी सेट है। यहां से हमने क्या सीखा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ, रिफ्लेक्शन। शाबाश। अगर मैं आज आपकी क्लास में खड़ा होता तो आपका इतना अच्छा रेस्पॉन्स देखते हुए सभी बच्चों को अलग अलग से शाबाश देता। बहुत ही बढ़िया सीख रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चे। और देखो एक चीज, मेरे पास एक और मॉडल भी है। देखो इस मॉडल में मैंने क्या दिखाया हुआ बेटे, मैंने इस मॉडल में क्या दिखाया कि इंसिडेंट रे इधर से आई, और ब्लैक कलर वाली इंसिडेंट रे देखो, इसमें दो कलर दिखा रखे हैं, ब्लैक और ब्लू। अब ब्लैक पे नजर रखो, उसने 30 डिग्री का एंगल बनाया, और 30 डिग्री से वापिस चलेगी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 डिग्री है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री है। फिर एक दूसरी रे ऑफ लाइट देखो, वो ब्लू कलर की दिखाई है, ब्लू इधर से आई और ये ऐसे निकल गई। ब्लू वाली ने कितना एंगल बनाया? टोटल 40 डिग्री, और उधर से भी 40 डिग्री दिखाया हुआ है एंगल। वैसे ये 40 से ज्यादा है, पर आप लोगों को फिगर में ये 40 लिख के दिखाया हुआ है, सिर्फ ये जताने के लिए कि जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 से 40 करते हैं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 से 40 हो जाता है। और हम इसके ऊपर, ये मिरर ऑलरेडी लगा हुआ है बेटे, इसके ऊपर मिरर, तो हम लेजर बीम को देखते हैं। इसमें मेरे पास ब्लू लाइट भी है, तो मैं ब्लू लाइट को ब्लू के ऊपर रख के फेंकता हूं।
ब्लू लाइट थोड़ी सी स्कैटर हो गई है, रेड से ही करते हैं एक्सपेरिमेंट। नहीं नहीं ठीक है, ये रेड से ज्यादा अच्छा है बेटे ये। एक मिनट, लुक हियर, फिर से वही हमारा जैसे मैंने पहले इसमें करके दिखाया था। इस वाले में ज्यादा अच्छी तरह से दिखता है, दैट विल बी मच क्लियरर। अभी हमने करा था, एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये मैंने मिरर रख दिया बेटे, और ये मेरे पास रेड लाइट है, जस्ट थ्री। मैं रेड लाइट को थ्रो कर रहा हूं, और मेरी रेड लाइट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर से निकल रही है, देखो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? कहां से जा रही है, कहां से फेंक की टीचर ने? मैंने जानबूझकर डार्क करा आपको दिखाने के लिए। लाइट ऑन करता हूं अभी, करना जी लाइट ऑन। ये देखो, शाबाश। सो यहां से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बराबर पाया गया, जो हमने इधर बताया। एडिशनल चीज मैंने क्या बताई, लाइट इधर जा रही थी, नहीं सॉरी, लाइट इधर जा रही थी रेड डायरेक्शन में, और इस मिरर ने उधर फेंक दिया, जिधर जा रही थी और जिधर भेज दिया। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है बेटे? ये जो आखिरी वाला पॉइंट है एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं इसका डेफिनेशन लिखवाता हूं। राइट डाउन प्लीज। सबसे पहले लिखो एंगल ऑफ ग्लांस, हरी अप, एंगल ऑफ ग्लांस लिखो सारे बच्चे, बहुत अच्छे, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी ओबीडियंट। नहीं मैं, ये कौन सा स्कूल है भाई, बड़ा अच्छा है ये तो। व्हाट एमआर इंटरनेशनल, बेटे वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स, आपको भी शाबाश, आपके टीचर्स को भी शाबाश। तो राइट डाउन द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे, शाबाश। राइट राइट आई रिपीट, I repeat, the angle made by incident ray once again I am repeating, the angle made by incident ray with the plane mirror is called angle of glass. The angle made by the incident ray with the plane mirror is called angle of glass, GLANCE. Angle of glass को glancing angle भी बोल सकते हैं, देखो spelling लिखे हैं board पे। Angle of glass is also called glancing angle. और ये भी ला लिख दो, देखो बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ग्लास हमेशा 90 डिग्री पे होते हैं, ये ला है। ये ला कई बार नहीं पता होता बच्चों को, और ये तो आपने मेरे को बता ही दिया, सभी बच्चों ने बोल के बताया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन की। लिखो एंगल ऑफ डेविएशन, ये स्पेलिंग देखो बेटे, इधर देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे। एंगल ऑफ डेविएशन, DEVIATION, एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन, इज द एंगल बिटवीन original direction of incident ray, original direction of incident ray and the direction of reflected ray, and the direction of reflected ray. ठीक है बेटे? अब हमारे पास असाइनमेंट है एक, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, वक्त बचा तो एक आर्टिकल और भी करेंगे हम। ठीक है बेटे? कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन,
इजेक्ट आउट योर असाइनमेंट. वेरी ओबीडियंट स्टूडेंट, शाबाश. एक्टिविटी वन देखो बेटे, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखा रखा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिखा रखा है, राइट. अब नीचे क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन. आप मेरे को बताओगे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? होगा. और ये 0 होगा कैसे? देखो 0 कैसे होगा, इस लाइट, रे ऑफ लाइट को ऐसे 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 ले जाते हुए नॉर्मल के थ्रू ही फेंक दूं, लाइट लाइट ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी, तो उस वक्त एंगल 0 होएगा. एक और क्वेश्चन है इसमें, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, 60, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 60 डिग्री, क्योंकि किसी भी एंगल की वैल्यू पर ये दोनों बराबर रहते हैं. दोनों कौन कौन? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. शाबाश. लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. व्हाट हैपन्स टू द रिफ्लेक्टेड रे व्हेन यू थ्रो द लाइट ऑन द मिरर अलोंग द नॉर्मल? बाय चांस हम पहले ही कर चुके हैं इसको. जब हम किसी लाइट को नॉर्मल के थ्रू इंसिडेंस करेंगे, लुक एट द बोर्ड, ऐसे नॉर्मल के थ्रू इंसिडेंट करेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही वापस चले जाएगी, यानी कि वो परपेंडिकुलरली आई और परपेंडिकुलरली वापस चले गई. जैसे कि मेरे पास ये एक अपरेटस है और मैं बिल्कुल ब्लैक लाइन, दिख रही है बेटे आपको ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइन के थ्रू ही मैं लाइट फेंकूंगा, इसमें ब्लैक लाइन के थ्रू फेंकूंगा और ब्लैक लाइन से ही वापस आएगी. ये देखो एग्जैक्टली लेजर बीम की तरफ से जा रही है और लेजर बीम की तरफ ही वापस आ रही है. इज दैट क्लियर? सो यहां से हमें पता लगा कि कोई लाइट अगर नॉर्मली थ्रो करते हैं तो नॉर्मली ही वापस आती है. ओके एक चीज मेरे को बताओ, जब आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हो, सुबह ड्रेसअप होते हो, ग्रूमिंग करते हो, तो क्या जितना आपका फेस होता है उसके बराबर ही फेस दिखता है या बड़ा दिखता है या छोटा दिखता है? बराबर दिखता है. तो प्लेन मिरर के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक्टिविटी में, क्वेश्चन नंबर थ्री, द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज द डैश ऑफ द ऑब्जेक्ट. बोलो. सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरी गुड. तो एक और बात भी बताना चाहूंगा, वो कौन सी? सपोज करो बेटे ये मिरर है और मैं इससे 5 मीटर की दूरी पर खड़ा हूं, 5 मीटर की दूरी पर सपोज कर लेते हैं, तो मेरा जो फोटो दिखेगा प्लेन मिरर में वो भी इस मिरर से 5 मीटर पीछे होगा, यानी कि इक्वी डिस्टेंट, इक्वल डिस्टेंस, इस शब्द, दोनों शब्दों को मिलाकर इक्वी डिस्टेंट. क्या स्पेलिंग होंगे लिखो, EQUI, इक्वी डिस्टेंट, DISTANT, इक्वी डिस्टेंट. तो क्या बताया टीचर ने, इमेज एंड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द प्लेन मिरर. और क्या बताया था पहले, इमेज एंड ऑब्जेक्ट बोथ आर ऑफ सेम साइज, इक्वल साइज. ओके क्वेश्चन नंबर फोर पे वो बोल रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट फ्रॉम द मिरर? बट दैट्स लाइक द इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, वेरी गुड, 7.2 सेंटीमीटर. ओके अब मैं एक चीज और बताता हूं आपको, शाबाश, ध्यान से सुनना. अगर मेरे पास सामने क्लॉक लगा हुआ हो, क्लॉक, क्लियर, और उसमें हैंड्स वाला टाइम हो, डिजिटल क्लॉक नहीं होना चाहिए, एनालॉग, जिसमें सुइयां लगी होती हैं बेटे, और मान लो उस क्लॉक के अंदर 4 बजे हुए हो, 4, और मेरे पास यहां मिरर हो, ठीक है, जो मिरर में टाइम आएगा ना, मिरर में
वो कितना होएगा, जितना टाइम इस क्लॉक में इधर होगा और जितना इमेज में होएगा, इमेज में दोनों टाइमों का टोटल हमेशा 12 होता है, 12। यानी अगर इधर 4 बजे हैं तो मिरर वाले में 8 बजे हुए होंगे, 4 + 8 = 12। अगर इधर 6 6 बजे हुए हैं तो इमेज वाले क्लॉक 6 बजे होंगे, और अगर इधर 7 बजे होंगे, कैन यू टेल मी उधर कितने बजे होंगे? नहीं बेटे, 7 बजे होंगे तो उधर 5 बजे होंगे, क्योंकि 7 + 5 कितना होता है? 12। एक लिखो, लिखो जरा क्वेश्चन, लिखो जरा पॉइंट लिखो। इन ए प्लेन मिरर, शाबाश, मैं अपने बच्चों को डेमो भी करके दिखाऊंगा अभी। इन ए प्लेन मिरर द टोटल ऑफ द टाइम, द टोटल ऑफ द टाइम शोन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉक, शोन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉक एंड इमेज क्लॉक इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज इक्वल टू 12 12.00। अब देखो, हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी करेंगे। देखो मेरे पास ये क्लॉक है, कोई बच्चा बता सकता है इस वक्त कितना टाइम है इसमें? हाँ, लगभग 2:30 है, ठीक है, चलो 2:30 मान लेते हैं इसको। तो 2:30 है, जब मैं इसमें मिरर रखूंगा तो मिरर में जो क्लॉक आएगा उसमें जो टाइम होएगा उसका टोटल और इस टाइम का टोटल 12 बनना चाहिए। और एक बात सुनो, ये जो 1 2 3 4 है इसको आप भूल जाओ, आप इसकी जगह सोचो कि डॉट लगे हुए हैं, बस ऐसे डॉट, आपने काउंटिंग नहीं देखनी, ऐसे डॉट लगे हुए हैं, ओके, तब आपको समझ आएगा। अब मैं इसको देखो, ये मेरे सामने पास प्लेन मिरर है, देखो प्लेन मिरर है, तो मैं इस क्लॉक को इधर कर देता हूं और आपको मिरर के अंदर इसकी फोटो दिखाऊंगा, राइट? ये देखना आप इसमें। अच्छा पहले बताओ, अगर इसमें 2:30 है तो मिरर में कितना दिखना चाहिए? एनीबॉडी? 12 में से माइनस करो, 12 में से अगर 2 माइनस कर, हाँ 12 में से अगर, बेटे सुनो सुनो, 12 में से अगर 2 माइनस करते तो 10 होता, लेकिन आधा घंटा हमने और भी माइनस करना है, तो इसका मतलब इस मिरर में 9:30 दिखना चाहिए। देखते हैं हमें दिखता है कि नहीं। शाबाश, ये मेरे पास 2:30 इधर है, मैं इसके सामने लिख रहा हूं, आपने मिरर में देखना है ध्यान से। आपको मिरर वाला दिख रहा है बच्चे? दिख रहा है मिरर वाला? शाबाश, कितना 9:30 दिख रहा है मेरे बच्चे को? हाँ, डॉट्स को देखना, आपने डिजिट्स को नहीं देखना, डॉट्स को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो इसका मतलब मेरे बच्चों को, अगला क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, बड़ा आसानी से पता लग जाएगा आपको। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, इमेज क्लॉक में कितना टाइम दिखा रखा है उसने फिफ्थ के अंदर, उसकी फोटो बतानी है हमने। इमेज में कितना दे रखा है बेटे? उसने दिया हुआ 7:10, 7:10। तो इमेज क्लॉक में कितना होगा? इमेज क्लॉक में जोड़ो जोड़, अगर अकेला सात होता तो इमेज क्लॉक में 5 होता, क्यों? 7 + 5 = 12 होना है, एवरी टाइम 12 आना है, लेकिन इसने 7 से 10 मिनट ज्यादा कर दिए और हमने फिर 5 में से 10 मिनट कम कर देने हैं, तो कितना होएगा? 4:50 होंगे। एग्रीड? तो कौन सी ऑप्शन मिलनी चाहिए बेटे, बताओ? ए बी सी डी। 4:50 किसमें है? एनीबॉडी? 4:50, शाबाश, किसी बच्चे ने बोला है सी ऑप्शन, ठीक है, वेरी नाइस। अब अगली बात, एक चीज और देखो बेटे, अगर मेरे पास ये मिरर है और मैं इसमें अपनी फोटो देखूं और मैं अपना राइट हैंड हिलाऊं, देखो राइट हैंड इसी से मैं लिखता हूं, मैं राइट हैंडेड पर्सन हूं,
मैं राइट हैंड हिलाऊंगा तो इमेज में मेरा लेफ्ट हैंड दिखेगा, उल्टा दिखेगा। देखो ध्यान से, ये हूं मेरा, देखो मिरर में मेरा लेफ्ट हैंड, देखो मेरा तो राइट हैंड हिला है तो, लेकिन इमेज में राइट हैंड, सॉरी इमेज का लेफ्ट हैंड मेरा राइट हैंड है। फिर से देखो, कंफ्यूज नहीं होना, मेरा कौन सा है राइट हैंड, जो इमेज दिखेगा मेरे हाथ का वो लेफ्ट हैंड होएगा। देखो ध्यान से, आर यू ऑब्जर्विंग? हाँ बिल्कुल सही। तो याद रखना, प्लेन मिरर में लेफ्ट राइट बन जाता होता है, और इमेज का जो राइट है वो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट होएगा, और जो ऑब्जेक्ट का राइट होएगा वो इमेज का लेफ्ट होएगा। इस तरह से इंटरचेंज, इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को लिख लो, लेटरल इन्वर्जन, LATERAL, लेटरल इन्वर्जन, INVER, वी वैन से बेटे, INVER, SION, इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन। इन्वर्जन वर्ड इन्वर्ट से बना है, इन्वर्ट का क्या मतलब होता है, उल्टा कर देना, लेटरल का मतलब होता है साइड चेंज करना, लेटरल साइड वाइज। तो आप लिखो, शाबाश, इसका मीनिंग लिखो सामने। एट बी मैम, ये देखिए एट बी में ये लड़के क्या कर रहे हैं आगे बैठकर, व्हाट आर यू डूइंग फ्रंट सीट पे बैठ के, दीज बॉयज आर बेटे प्लीज प्लीज टीचर देखेंगे ये बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे। सर एक एक वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं बेटा, लेटरल मींस, लेटरल का सर ने वर्ड बताया, मीनिंग बताया, इन्वर्जन का मीनिंग बताया, हिंदी में लिख लो वो बच्चे, शरारते नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बात नहीं, गलती से हो गई, लेकिन अदरवाइज ये बच्चे बहुत डिसिप्लिन है। अभी लास्ट लाइन नहीं सुनी होगी, पर बाकी का लेक्चर आपने बहुत ध्यान से सुना, आई नो दिस। लिखो, लेटरल इन्वर्जन मीन्स लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट साइड ऑफ द इमेज इन द प्लेन मिरर, राइट साइड ऑफ द इमेज इन द प्लेन मिरर। मैं फिर से बोलता हूं शुरू से, लेटरल इन्वर्जन का मीनिंग, लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट साइड ऑफ द इमेज इन द प्लेन मिरर, और आखिर में एक और वर्ड लिखना अपने, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा, छोटे बच्चे हैं मेरे को लिखना चाहिए, वाइस वर्सा। इसका क्या मतलब होता है बेटे, कोई बताएगा मेरे को वाइस वर्सा का? जैसे लेफ्ट का राइट बन जाना, ऐसे ही राइट का लेफ्ट बन जाना। ओके हाँ, सेंटेंस को छोटा लिखने के रूप के लिए हम ऐसे लिख देते होते हैं। ओके बेटे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन यू लुक एट ए वर्ड इन ए मिरर, व्हाई डज इट अपीयर रिवर्स्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? क्या बात है, सी ऑप्शन, लेटरल इन्वर्शन, दैट्स लाइक ए वेरी गुड रेस्पॉन्स। बहुत ही अच्छा बोला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने। अब इसके बाद हमारे पास बस इतना ही टाइम है बेटे, तो नंबर ऑफ इमेजेस वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं हो सका, ना ही उसका कॉन्सेप्ट बना। कोई बात नहीं, अगली बार करेंगे, नो प्रॉब्लम। पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज का लेक्चर जिस जिस बच्चे को समझ आ गया, वो बच्चे अपने दोनों हाथ खड़े होकर वेव करेंगे, हैव यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर, वेरी गुड, जस्ट लुक एट योर क्लास, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर योर सेल्फ, थैंक यू, लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम।